Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, today we will start our new chapter, chapter number 2 of our science book. And the name of our book is Science Park Class 1 by Braindrood Series. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे. अब हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ होते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं. हम अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और हम प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर वी हैव टू डू वार्म अप एक्सरसाइज. कलर एज पर द कलर कोड. यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी प्लांट की पिक्चर है और क्या बता रखे हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स. आपको उसको कलर करना है, लेकिन आप कलर कैसे करेंगे? जो आपको कलर कोड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में आपको क्या करना है? येलो कलर करना है. देन रूट, रूट में आपको कौन सा कलर करना है? यू हैव टू डू ऑरेंज कलर. एंड नेक्स्ट फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल. फूल में आपको कौन सा कलर करना है? पिंक कलर. देन इन लास्ट फ्रूट, फ्रूट मतलब फल. फल में उन्होंने क्या कहा है आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर. तो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और बहुत सुंदर से कलर करेंगे. वी सी मैनी प्लांट ग्रोइंग इन आर सराउंडिंग. हम अपने चारों तरफ बहुत से पेड़ पौधों को देखते हैं. हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. दे मेक आर वर्ल्ड कलरफुल. वो हमारी दुनिया को क्या बनाते हैं? कलरफुल, रंगीन बनाते हैं. घर के आसपास हरे हरे पौधे होंगे और रंग बिरंगे फूल लगे होंगे तो कितना प्यारा लगता है. तो पेड़ पौधे हमारे दुनिया को क्या बनाते हैं? रंगीन बनाते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट. अब हम पढ़ेंगे पेड़ों के प्रकार के बारे में. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल अदर आर स्मॉल. आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, क्या सब एक जैसे होते हैं? नहीं, कुछ पेड़ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. सबके साइजेस अलग होते हैं, कि कुछ पेड़ पौधों पे बड़े बड़े पत्ते होते हैं और कुछ पर बहुत छोटे छोटे होते हैं. मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, ये सब क्या हैं? बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े जो पौधे होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. ट्रीज, अभी मैंने आपको बताया ट्रीज किसे कहते हैं. हिंदी में कहते हैं वृक्ष, और बड़े बड़े पेड़ों को हम ट्रीज कहते हैं. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े बड़े पेड़ और बहुत मजबूत पेड़ों को हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. दे कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स. वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. ट्रीज का तना क्या होता है? वुडी, मतलब लकड़ी, बहुत मजबूत होता है. दिस वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. और उस वुडी स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्री, नीम, कोकोनट, बेनियन एंड गुलमोहर. तो कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, नीम, कोकोनट, बेनियन और गुलमोहर. ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनका तना बहुत मजबूत होता है. सम ट्रीज सच एज कोकोनट, पाइन एंड डेट. कुछ डेट मतलब किसे कहते हैं? खजूर को. और कोकोनट ट्री. पाम ग्रो टॉल विदाउट स्प्रेडिंग आउट देयर ब्रांचेस. ये ऊंचाई में तो लंबे बढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी ब्रांचेस को क्या फैलाते नहीं हैं. सम ट्रीज सच एज बेनियन, पीपल एंड गुलमोहर ग्रो टॉल एंड स्प्रेड आउट देयर ब्रांचेस. पीपल का पेड़, गुलमोहर का पेड़, ये क्या करता है? ऊंचाई में बढ़ता है और अपनी शाखाओं को, ब्रांचेस मतलब शाखाओं को फैलाता है.
Now we will learn about shrubs. Small but strong plants are called shrubs. Rose, cotton and hibiscus plants are shrubs. Shrubs कौन से plant होते हैं? होते तो ये छोटे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, बहुत strong होते हैं. और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? रोज प्लांट, कॉटन प्लांट और हिबिकस प्लांट. ये छोटे और मजबूत पेड़ होते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द ग्रेट बैनियन ट्री लोकेटेड इन द आर्चर जगदीश चंद्र बोस बोटैनिक गार्डन इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इज मोर देन 250 ईयर ओल्ड. इट इज सैड टू बी द वर्ल्ड वाइडेस्ट ट्री. क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराना 250 साल पुराना बैनियन ट्री कहाँ पर है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन, जो कहाँ पर है? कोलकाता में है, वहाँ पर है, जो 250 साल पुराना है. इतना पुराना ट्री है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड का वाइडेस्ट ट्री भी कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर शॉर्ट प्लांट. दे हैव वीक एंड थिन स्टेम. हर्ब्स क्या हैं? हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं. वीक मतलब बहुत कमजोर होते हैं और पतले होते हैं. जैसे कोरिएंडर. कोरिएंडर किसे कहते हैं हम? धनिए को. कितनी मुलायम होती है उसकी पत्तियां. मिंट पुदीना और स्पिनच मतलब पालक, ये हरी हरी होती हैं और इनकी स्टेम क्या होती हैं? बहुत कोमल होती हैं, बहुत थिन होती हैं. नाउ टेस्ट योर स्किल. कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज प्लांट एंड ट्रीज. यहाँ पर कुछ प्लांट और ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है. और वो कंप्लीट कैसे होंगे? सिर्फ वॉवल्स को भर के. जो खाली स्पेस है उसमें आपको क्या भरने हैं? वॉवल्स भरने हैं. ए ई आई ओ यू में से कोई एक वर्ड इस बॉक्स में आएगा. दिस एक्सरसाइज यू विल डू बाय योर सेल्फ. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वीक. कुछ प्लांट कमजोर होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते. दे टेक द सपोर्ट ऑफ अ वॉल स्टिक और एनी अदर प्लांट टू क्लाइंब अप. वो पेड़ जो ऊपर चढ़ने के लिए, खड़ा होने के लिए किसी का सहारा लेते हैं, किसी स्टिक का, वॉल का या फिर दूसरे पौधों का. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं. जैसे ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल, मटर का पौधा, मनी प्लांट्स आर सम ऑफ द क्लाइंबर. वो क्या है? क्लाइंबर्स हैं. देखो, अंगूर की बेल को क्या चाहिए? स्टिक की मदद चाहिए चढ़ने के लिए. सेम ऐसी मटर के पौधे को और मनी प्लांट को भी. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? सम हर्ब्स विद वीक स्टेम्स रन अलोंग द ग्राउंड. वो पेड़ पौधे जो उनकी तना बहुत नाजुक होता है और ये कहाँ फैलते हैं? जमीन पर, ग्राउंड पर. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं. जैसे पम्पकिन, बॉटल ग्राउंड और वाटरमेलन मतलब घिये की बेल, तरबूज की बेल और पेठे की बेल, ये सब क्या होती हैं? ये जमीन पर ही फैलती हैं और ये बहुत वीक होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्रीपर्स कहते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आईज, नोज, ईयर्स, फिंगर्स, ये सब क्या हैं? हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं. ऐसी प्लांट्स के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल. फ्लावर इज द ब्यूटिफुल पार्ट दैट मेक सीड्स ऑफ फ्रूट. फ्लावर क्या है? फूल क्या है? पौधे का सबसे सुंदर भाग है और ये क्या बनाता है? सीड्स मतलब बीज और फल बनाता है. एक फूल या तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है या फिर सीड्स में. फ्रूट, फ्रूट क्या है? फल. फ्रूट बियर सीड. फल में क्या होते हैं? बीज होते हैं. लीफ,
लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट. लीफ मतलब पत्ती, पत्ती क्या करती है, पेड़ के लिए खाना बनाती है. स्टेम, स्टेम मतलब तना, ये हरे रंग का होता है. स्टेम टेक फूड एंड वाटर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम का काम होता है पानी और फल पहुंचाना, कहाँ पर, प्लांट्स के डिफरेंट भागों में. नाउ रूट, रूट मतलब जड़, देखिए ये जमीन के अंदर होती है. रूट गिव सपोर्ट एंड टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करती है, पौधे को सपोर्ट देती है जिस पर पौधा खड़ा होता है, और मिट्टी में से जो उपयोगी खनिज लवण है उनको हासिल करता है जिससे एक पौधा जीवित रहता है. नाउ वी विल गो इन फ्लैशबैक. चलिए जल्दी से एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं. प्लांट मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. प्लांट हमारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ट्रीज, शब्स, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर आर सम काइंड ऑफ प्लांट. फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट, लीव्स एंड रूट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. फ्लावर, फूल, पत्ता, फल और तना, ये क्या है, पौधों के डिफरेंट पार्ट्स हैं. नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज. सबसे पहली एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक करना. दिस प्लांट इज कॉल्ड अ ट्री. यहाँ पे चार प्लांट्स के नाम हैं, आपको बताना है किसे हम ट्री कहते हैं. सनफ्लावर, पम्पकिन, एप्पल और टोमेटो. द करेक्ट ऑप्शन इज एप्पल, एप्पल का ट्री होता है. रोज, कॉटन एंड हिबिकस प्लांट्स आर. रोज, कॉटन और हिबिकस के प्लांट्स क्या हैं, क्रीपर्स, शब्स, ट्री या हर्ब. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. थ्री एंड फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. दो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, सही वर्ड को चूज करना है. नंबर वन, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े और मजबूत पेड़ कहलाते हैं, शब्स और ट्री. द करेक्ट वर्ड इज ट्रीज, TREES, trees. Number टू, dash आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट. छोटे होते हैं ये प्लांट लेकिन बहुत मजबूत होते हैं. कौन से प्लांट, shrubs या herb? The correct option is shrubs, SHRUBS, shrub. Number थ्री, grapevine is a dash. Grapevine, अंगूर की बेल क्या है, ट्री या क्लाइंबर, वो है क्लाइंबर, CLIMBER. Fourth and fifth you will do by yourself. Now exercise C. Write two examples for the following. यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, तो चलिए पहले पढ़ते हैं. Trees, shrubs, herbs और climbers. आपको क्या करने हैं, इनके दो दो example लिखने हैं. जैसे trees, कौन कौन से trees होते हैं, neem tree और नीम ट्री एंड एप्पल ट्री. ऐसे ही आपको क्या करना है, दो दो एग्जाम्पल शब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स के लिखने हैं. नाउ एक्सरसाइज डी, ड्रॉ लाइन टू मैच द फ्लावर विद देयर नेम. यहाँ पे कुछ बहुत सुंदर से फ्लावर्स की पिक्चर है, आपको उनके नाम से उनको मैच करना है. सबसे पहला फ्लावर कौन सा है, सबने पढ़ा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. सबसे पहला फ्लावर है सनफ्लावर का, तो हम इसे मैच करेंगे सनफ्लावर से जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं. नंबर टू, ब्लू कलर का है, कौन सा फ्लावर है, ये है पेंसी, PANSY, पेंसी. एंड द नंबर थ्री, लोटस आर नेशनल फ्लावर, तो LOTUS, लोटस. एंड इन लास्ट There is a picture of marigold flower, जिसे हम गेंदे का फूल कहते हैं, तो इसको हम इससे मैच करेंगे. एंड इन लास्ट एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग questions. आप एक बार जल्दी से अच्छे से अपना चैप्टर रीड करेंगे और questions के आंसर आप खुद लिखेंगे.
So, my dear student, in this chapter we have learnt about plants. हमने plants के बारे में पढ़ा, different type of plants के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? Plants के parts के बारे में पढ़ा. I hope you have learnt so many things from this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.